जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में अब आपको कचरा नहीं दिखेगा। जी हाँ, यहाँ जिला प्रशासन ने कचरे के प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था की है। ये जो आप शेड बनता देख रहे हैं, ये कचरा इकट्ठा करने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये शेड बनाने का मकसद है कि स्वच्छता को सुनिश्चित किया जा सके। सुनिए इस अभियान पर लोगों का क्या कहना है। ये जो SBM स्कीम के तहत एक सेग्रीगेशन शांत तामीर हुआ है, ये लोगों के फायदे के लिए है। गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इसलिए कि हर एक गांव में जो कूड़ा करकट लोग बाहर फेंकते हैं, गवर्नमेंट ने SBM स्कीम के तहत हर एक गांव में सेग्रीगेशन शांत तामीर करने का काम शुरू किया है, जिसमें हमने गुसू में एक सेग्रीगेशन शांत तामीर किया है। इसलिए कि जितना भी कूड़ा करकट ये लोग बाहर फेंकते हैं गली कोचू में रास्तों पे, इससे एक तो गंदगी फैलती है और दूसरी बात ये इससे बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ में जो नदी नालों पे पानी बहता है वो भी खराब रहता है। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा सेटअप उठाया था। ये आज जो ये गाँव गाँव में उसने ये सेग्रीगेशन शर्ट तामीर किया है, इससे लोगों के बहुत सारे फायदे मिलेंगे। सबसे पहले ये साफ सफाई का है और इसके साथ ही लोगों के जो ये बीमारी इस वक्त फूट पड़ी है, इससे भी ये बच जाएंगे, क्योंकि जो जितना भी कूड़ा करके रास्तों पे अभी लोग फेंका करते थे, ये सारा इसी में जमा हो जाएगा। फिर इसको यहाँ से उठाकर म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कहीं दूर जाकर डिस्पोज किया जाएगा। ये जो सेग्रीगेशन शेड बने हुए हैं बहुत ही अच्छे हैं, लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे जो लोगों के जो कूड़ा करकट था घर में वो इसमें हो जाएगा तो ठीक रहेगा। बहुत ही फायदे हैं, फायदा इससे। किस तरह का फायदा? मतलब जो घर में गंदगी होती थी, कुछ होता था, कूड़ा करकट था, वो था, ये था, वो तो उसी में जाएगा। घर में सफाई हो जाएगी, मोहल्लों वोहलों में सफाई हो जाएगी, वो उसी में हो जाएगा, तो क्लीनिंग हो जाएगी पूरी तरह से मोहल्लों में, गांवों में, तो ठीक हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा है ये, बहुत ही शुक्रिया गवर्नमेंट का कि हुआ है। ये शेड टाउन हाउस की तर्ज पर बनाए गए हैं। आखिर इसमें रीस्टोर कचरे का आगे क्या होगा, जानिए। के में हम सेग्रीगेशन शेड बना रहे हैं, ये एक बेसिस है। इसके तहत हम क्या करेंगे कि हम जो वेस्ट है, इसके लिए हम जो मेन रिसोर्सेज है, लाइक के मैं कहूँगा कि जो व्हीकल आएगी, जो कम्युनिटी डस्टबिन आएंगे, जो इसके लिए शेडर आएंगे, बेलिंग मशीन आएगी, तो ये जो वेस्ट है रूरल एरियाज का, हर गांव का जो वेस्ट है, ये उसी गांव में क्या है कि उसके लिए एक सेग्रीगेशन शेड बन रहा है। उस सेग्रीगेशन शेड में हम जब डोर टू डोर कलेक्शन करेंगे तो उसको हम उस सेग्रीगेशन शेड तक पहुंचाएंगे। उसके बाद इसकी सेग्रीगेशन हो जाएगी। उसके बाद हमने कही कही बात की है तो इसका हम फिर वैल्यू देखेंगे कि किस चीज़ का कितना वैल्यू आता है। जो भी पैसा उससे आएगा वो हम पंचायत में जमा करके वो उसी पंचायत में फिर यूज़ हो जाएगा। तो इसका जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आगे बहुत फ्यूचर है। तो अगर मैं दुनियाई सतह पे इस बात को बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, जैसे कि स्वीडन की मैं बात करूँ, जहाँ पे इस वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से क्या है कि जो हीटिंग सिस्टम है, हर घर में वहाँ हीटिंग सिस्टम है, उसको उस वेस्ट से चलाया जाता है। तो जो हमें आज वेस्ट लग रहा है ये वेस्ट नहीं है, ये रिसोर्स है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की ये पहल सराहनीय है। इससे न केवल लोगों को लाभ होगा बल्कि पर्यावरण भी स्वच्छ और पारदर्शी रहेगा। वैज्ञानिक आधार पर कचरे का निस्तारण करने के लिए पुलवामा जिले के विभिन्न गांवों में ये सेग्रीगेशन शेड बनाए जा रहे हैं।